MGC group of companies here. Aman and Farhan, both the CEOs and the co-founders, and they are the renowned businessmen of the region. MGC Divine, MGC Jewel ke upar bada tezi se kaam ho raha hai. Royal Pranthi Chamber is right now having 15,500 members. Royal Pranthi Economic Corridor ek banne ja raha hai, jo purana jiska naam Ring Road tha. MGC, your smart move. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सोनिया लोधी। कारोबारी दुनिया में अल्टीमेटली मुल्क की मईशत में मेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक इंतहाई अहम किरदार है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर जैसे कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी। इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक अहम किरदार अदा करता है और इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रेजिडेंट साकिब रफीक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो MGC की पूरी टीम की जानिब से आपको प्रेजिडेंट की सीट संभालने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू। और उसके बाद मैं जानना चाहूँगी आपका विजन क्या है इस सीट को हासिल करने के बाद। एक बंदे की एक सोच होती है कि अब मैं इसको ऐसे लेके चलना चाहता हूँ, सो वो विजन मैं जानना चाहूँगी। अच्छा, सबसे पहले तो विजन के साथ साथ एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि जब हम इस प्रोसेस में दाखिल होते हैं और प्रेजिडेंट की सीट संभालते हैं तो एक कंधों के ऊपर वो अजीम बोझ आप कह सकते हैं, या एक मिशन जो हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट्स ने रखा होता है उसको कंटिन्यू करने की एक जिम्मेदारी का एहसास होता है। शहर में कारोबारी सरगर्मियों को और बेहतर तरीके से चलाना, मुल्की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, आपका जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट के दौरान में डिसबैलेंस हुआ वह चीज़ें उनको देखना, पाकिस्तान के इंटरनेशनल इमेज को बेहतर करना, दिस इज़ माई प्राइमरी इमेज, प्राइमरी आप कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है। मैंने पाकिस्तान के एक पॉजिटिव इमेज को लेके जाना है दुनिया के अंदर कि वट वी आर डूइंग, वट वी आर नॉट ऑल वट इज़ पोर्ट्रेइंग ऑन दिस मीडिया, बट वी आर अ वेरी गुड नेशन, वी हैव सो मच पोटेंशियल टू कम अप विद। सो ये तमाम चीज़ों के साथ साथ शहर में मिसाइल हैं बहुत सारे लोगों को, कारोबारी मिसाइल हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस is another objective of my tenure ki jisko main kaam karna chahunga, sath mein facilitation of the members, facilitation of the trade bodies, facilitation of the business community of the region is my main core objective to achieve in this year. Sir, Rawalpindi ka jo karobari portfolio hai wo already bada wasee hai aur bada important bhi hai, to isme aapka chamber jo hai wo kis tarah se participate kar raha hai ya kya kirdar ada kar raha hai? So it's a very valid question aur jo bahut sare log humse poochte hain ki what chamber is doing all around business community. द रीजन हमारा जो स्टार्ट होता है, हम गुजर खान से वाक एंड टू मरी तक हमारा एक रीजन स्टार्ट होता है। रॉयल प्रिंस चैम्बर इज राइट नाउ हैविंग 15,500 मेंबर्स। हम क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं, हम खत्ते के अंदर हमारे एक प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रियल स्टेट है, द फर्स्ट प्राइवेटली ओन इंडस्ट्रियल स्टेट ऑफ द रीजन जो 1992 से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा अपकमिंग आपने भी सुना होगा रावल पिंडी इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बनने जा रहा है, जो पुराना जिसका नाम रिंग रोड था। सो हम चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ मिलकर SEZs के ऊपर, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाने के ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट को बहुत तरह से कन्विंस और पुश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होंगे जिसपे इन्वेस्टर्स को टैक्स रिबेट्स देंगे, तो तब आपकी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के नाम जो डिसबैलेंस है उसको ख़त्म किया जा सकता है और हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। तो दिस इज समथिंग वी आर डूइंग ऑन द लार्जर पार्ट। कमिंग ऑन द ट्रेड एक्टिविटी, सो चेंबर इज अ ब्रिज बिटवीन द बिजनेस कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो। जो भी ट्रेड कम्युनिटी के इश्यूज होते हैं, आया वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का है, आया वो डीलर्स एसोसिएशन का है, आया वो किसी भी गारमेंट एसोसिएशन, किसी भी टेक्सटाइल एसोसिएशन का, तो चेंबर प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल और इनको फैसिलिटेट करना होता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हम खत्ते के अंदर हमारे चेंबर के अंदर एक वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर मौजूद है, सो हम कोशिश करते हैं कि जो खवातीन जो घरों से बैठे काम कर रही हैं वो बाकायदा अपने आप को एनरोल करें FPR के साथ, वो टैक्स पेइंग नेटवर्क का हिस्सा बने और वो अपने बिजनेस को ग्रूम करें। हमारे पास बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं यहाँ पे। अदर देन दैट, हम बड़ा रेगुलर ट्रेड डेलीगेशन लेके जाते हैं मुल्क से बाहर, जिसमें मुख्तलिफ लोग जाके जॉइंट वेंचर साइन कर रहे होते हैं, अपने म्यूचुअल B2B मीटिंग्स कर रहे होते हैं, अपने MOU साइन कर रहे होते हैं। तो तमाम चीज़ें मिलके चेंबर एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर होता है खत्ते की कारोबारी सरगर्मियों को और बेहतर से बेहतर करने। एग्जैक्टली, आपकी बातें सुन के मुझे इस वक्त एहसास हो रहा है कि वाकई इस चैम्बर के होने से और इस चैम्बर की इम्प्रूवमेंट अगर और अच्छी होती है तो पाकिस्तान कितना आगे जा सकता है अगर चैम्बर इतना ज़्यादा कुछ कर रहा है। मतलब चैम्बर ये सब कुछ कर रहा है। वी आर द थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। 1952 में इस चैम्बर को स्टार्ट किया गया था, 17 साल आज पूरे हो चुके हैं और इन 17 सालों की अगर आप हिस्ट्री देखें
सो वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्क्राइब व्हाट हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट्स ने हर साल जो मेहनत की, जिस तरह से हमारी लीडरशिप, हमारे ग्रुप लीडर ने एक एक चीज़ के ऊपर हम किस तरह से पंजाब गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड रखते हैं, किस तरह से लोकल गवर्नमेंट को करते हैं. अच्छा, गवर्नमेंट के अलावा हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, हमारे कमिश्नर हैं, हमारे कैंट एरियाज हैं पिंडी के अंदर, तो वी ऑल आर वेरी मच लिंक्ड, वी ऑल आर वेरी मच क्लब टुगेदर. PHA कर लें आप, RDO ऑफिस कर लें आप, कोई भी EOBI, तमाम सेक्टर तक मिलकर ट्रेड बॉडीज़ को एक मजबूत करने के लिए. और मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि कारोबारी सरगर्मियाँ अच्छी से अच्छी हों, मुल्क में जो एक बिजनेस इन्वायरमेंट है वो फ्रेंडली रहे, लोग अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें, अल्टीमेटली द बेनिफिट इस मुल्क को मिले. जिस मुल्क के अच्छे होने की दुआ मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, तो इस मुल्क को और मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए हम अपना हिस्सा उसमें डालें. सर, बहुत सी रियल स्टेट कंपनीज और डेवलपर्स जो हैं वो RCCI का पार्ट हैं. सो और अब रावलपिंडी में स्पेशली और इस्लामाबाद में भी ये जो सेक्टर है ये लग्जरी के तौर पर आ गया, इन हो गया है. सो ये मुल्क की मईशत में किस तरह से रोल प्ले कर रहे हैं? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है. जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है ना, जो रियल स्टेट से आप बात कर रहे हैं या जो लग्जरी लिविंग कॉन्सेप्ट अब नया इंट्रोड्यूस हो रहा है रावलपिंडी के अंदर, ये एक इंडस्ट्री नहीं है या एक सेक्टर नहीं है. इसके साथ देर आर मोर देन 30 अलाइड सेक्टर्स जो तमाम फ्लरिश कर रहे होते हैं. सो इकोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हम इसको कर सकते हैं कि जब एक भी कोई बिल्डिंग बनती है, उससे वो बिल्डिंग एक सीमेंट से नहीं बन रही, उसमें स्टील यूज हो रहा होता है, उसमें वुड यूज़ हो रहा होता है, उसमें लेबर यूज़ हो रही होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट. तो ये तमाम सेक्टर जो है ना मुल्की मीशत को बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं. प्रीवियसली इनको बहुत एमएससी स्कीम्स भी मिली, पैकेजेस भी आए जिसको बड़े अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया गया. और इसमें आप ये देखिए कि बहुत सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, बहुत सारे जो एक्स पाकिस्तानीज होते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, पाकिस्तानीज हैं, वो इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं. वो जो पाकिस्तान में पैसा आ रहा होता है, ये पैसा यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा होता है, जो विच इज़ वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी एंड ओवरऑल दिस रियल स्टेट सेक्टर इन स्पेसिफिक. जो रावलपिंडी चेंबर का भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारे पास मोर देन 650 मेंबर्स हैं जो रियल स्टेट सेक्टर से, जो कंस्ट्रक्शन के सेक्टर से बिलोंग करते हैं. और ये तमाम लोग मिलके इस शहर की इकोनॉमी को, इस मुल्क की इकोनॉमी को एक बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और पाकिस्तानी मईशत को एक बहुत अच्छे तरीके से अपने साथ सपोर्ट करके, क्लब करके चला रहे हैं. तो इसका मतलब ये है कि रियल स्टेट और डेवलपर्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं मईशत के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और पाकिस्तान को फ्लरिश करने में इनका बड़ा एक अहम किरदार है. जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. और ये दिस इज़ नॉट, मैं आपसे जैसी बात किया कि जब एक कोई भी एरिया डेवलप हो रहा होता है तो उस एरिया में नई जॉब क्रिएशन हो रही होती है, उस एरिया में नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही होती हैं, उस चाहे वो रेजिडेंशियल एरिया हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, वट एवर इज इट. तो जब लॉन्ग टर्म उसके बेनिफिट्स आप देखते हैं तो वो मुल्क को ओवरऑल एक फ़ायदा हो रहा है. दिस इज़ वट द चेंबर्स प्राइमरली ऑब्जेक्टिव इज, टू एनहांस द ट्रेड एक्टिविटीज ऑफ द रीजन. सो दिस डेवलपर्स एंड दीज रियल स्टेट जो हमारे साथ सेक्टर में लोग हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये मुल्क को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं. और इन ट्रेड एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के ऊपर रावलपिंडी चेंबर भी बड़ा अपना फोकस कर रहा है, किस तरह से मिलकर चीज़ों को. और मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि हम जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रोजेक्ट्स इन्हीं लोगों के साथ मिलकर हम लोग करेंगे, यही रियल स्टेट डेवलपर्स, यही जो हमारे तमाम लोग हैं सेक्टर से बिलोंग करते हैं, ये आएंगे, इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना है. सो एक मुल्क को एक बहुत अच्छी सपोर्ट मिलेगी. सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो मेरे जहन में काफ़ी अरसे से है और आज आपसे मुलाकात हुई है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पूछ ही लूँ आपसे. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए अप्रूवल कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? और दूसरी चीज़ के एक आम जो प्रोजेक्ट जो लोग शुरू कर देते हैं, सो फिर उनका बाद में क्या होता है अगर उनका अप्रूवल ना हो? अप्रूवल मेरे ख्याल में सब चीज़ अप्रूवल ही है. आप देख सकते हैं कि जो प्रोजेक्ट अप्रूव होता है उसके रिटर्न भी बड़े अच्छे आ रहे होते हैं, वो टाइमली डिलीवर कर पाते हैं. हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स आती हैं, हमें बहुत सारे ऐसे लोग अप्रोच करते हैं कि जिन्होंने नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर लिया होता है, फिर बाद में मुश्किल का सामना हो रहा होता है. सो द पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टर को बहुत ध्यान से अप्रूव प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए. हमारी भी ये कोशिश होती है, हम भी यही लोगों को गाइड कर रहे होते हैं, हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी इन कॉन्टैक्ट जब होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि जो नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं वो डेफिनेटली लोगों की इन्वेस्टमेंट्स उसमें फंस जाएंगी, उसमें लोगों को बाद में रिटर्न्स नहीं मिल सकेंगे. दो साल में कंप्लीशन प्रोजेक्ट के लिए 5 साल में हो रहा है, 4 साल में प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है, तो नो पॉइंट ऑन इन्वेस्टिंग इनटू दैट प्रोजेक्ट. सो लग्जरी लिविंग कॉन्सेप्ट्स में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि अप्रूव्ड हैं,
they are very much attractive towards the investors. एंड अप्रूवल के बगैर या अप्रूवल ना होते हुए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना हम किसी भी तौर पे लोगों को क्या आप कह सकते हैं कि ना तो हम गाइड करते हैं ना हम लोगों को किसी भी किस्म का अपना कंसेंट देते हैं. अब अप्रूवल क्यों ज़रूरी है? आप विदाउट अप्रूवल प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे डेफिनेटली यू बी फेसिंग फाइन ओवर देयर देयर बी लैगिंग ऑफ द डेवलपमेंट देयर बी लाइक डिलेइंग इन द डिलीवरी प्रोसेस और इन तमाम में एंड यूज़र या जो एंड इन्वेस्टर है वो बहुत परेशान होते हैं. सो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स के साथ हम चाहते हैं लोग इन्वेस्ट करें. हम चाहेंगे कि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिटर्न्स को एंजॉय करें उन प्रोजेक्ट को जब वो डिलीवर होते हैं उसको एंजॉय करें उस जो चीज़ जिस मकसद के लिए वो इन्वेस्टमेंट की गई है मकसद पूरी हो जाए. और जो नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट्स हैं वो उसमें आपको पता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग ऑल अराउंड लोगों के पैसे जो होते हैं वो डूब जाते हैं और बाद में फिर कुछ भी उनको हासिल नहीं. सर वैसे कोई ऐसा तरीका कोई ऐसा प्रोसीजर कुछ कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है कि जिस तरह से हमें पता चल सके कि ये आरडी अप्रूव्ड है या नहीं? क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है कि लाइक कह दिया जाता है पता चलता है बाद में वो आरडी अप्रूव्ड नहीं है, तो हम कैसे पता करें कि ये आरडी अप्रूव्ड है? ऐसा इसका बड़ा सिंपल सा वे है. ऑनलाइन पोर्टल्स मौजूद हैं, हम रावलपिंडी चेंबर मौजूद है यहाँ पे अपने मेंबर्स की आगाही के लिए और मेंबर्स को गाइड करने के लिए. इसके अलावा आरडी का ऑफिस खुद से मौजूद है. हम इन्वेस्टर्स को गाय बगाय गाइड करते रहते हैं कि वेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग इन एनी प्रोजेक्ट प्लीज़ गेट इट वेरीफाइड फ्रॉम आरडीए. आप उस प्रोजेक्ट से भी बात कर सकते हैं कि मुझे हमें अपना अप्रूवल दिखा दीजिए या हमें अपना एनओसी दिखा दीजिए. तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स मौजूद है. होता क्या है? होता ये है कि लोगों को बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न की ऑफर दे के उनको लालच में डाल के नॉन अप्रूव प्रोजेक्ट्स भेज दिए जाते हैं. जब वो बाद में उनको पता चलता है तो तब तक वो फंस चुके होते हैं. तो इन्वेस्टर के लिए अपने आप को अलर्ट रख के आंखें खोल के और बिल्कुल हाजिर दिमागी के साथ इन्वेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है, जहाँ पे वो देख सके कि मैं जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ मैं जहाँ पे अपनी हार्ड अर्न मनी को लगाने जा रहा हूँ वो अप्रूव्ड है, उसके बाद प्रॉपर NOC है मौजूद मुतलका अदारों के साथ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ द एरिया उसके साथ मौजूद है, तब वो जाकर उसके अंदर. और अगर वो NOC प्रोवाइड नहीं कर पा रहा लेट्स से देयर इज सम फ्यूचर कमिटमेंट कि NOC 6 महीने में आ जाएगा, सो वी आस्क देम टू इन्वेस्ट आफ्टर 6 मंथ्स. व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिंग राइट नाउ कि जब आपका देयर इज अ रिस्क कि आपकी तमाम इन्वेस्टमेंट जो है वो डूब जाए. सो रावलपिंडी चेंबर इन पर्टिकुलर बहुत इस हद तक लोग हम फोकस्ड हैं कि द अप्रूव प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. हम लोगों को गाइड भी कर रहे होते हैं और कहीं कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कि अप्रूव नहीं होता जिनके पास लैंड नहीं है उन्होंने प्रोजेक्ट अनाउंस किया होता है. सो वी गाइड आर मेंबर्स, वी गाइड द बिजनेस कम्युनिटी एंड द मेंबर्स ऑफ आवर स्टीम चेंबर not to invest with them and मतलब एक we have a proper authentic procedure here. There are certain alert levels when आपको कहा कि online portal से भी verify हो सकते हैं, you know, government of Punjab की भी online portal में RDA मौजूद है, यहाँ पे chamber of office मौजूद है, we can verify which project is authenticated to invest in which is not. अच्छा मैं यहाँ पे खास तौर पे जिक्र करना चाहूँगा नुमान इफ्तिखार एंड फरहान इफ्तिखार, both are the CEOs and co-founder of this MGC development. They are working very fine in this industry. मैं इनको बहुत अच्छे से जानता हूँ. ये अप्रूवल्स के बाद प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ऑल द लीगल एस्पेक्ट्स को कवर करते हुए फिर अपने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करते हैं. और अब उनका एक प्रोजेक्ट है जो कि ऑलमोस्ट डिलीवरी के नज़दीक पहुँच चुका है अपने फिनिशिंग में, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इससे इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है. इन्वेस्टर जो होता है उसको पता है कि यार ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रही है टाइमली, सो उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट को लॉन्च करना उसके अप्रूवल्स लेना उसको साथ लेकर चलना बहुत आसान हो जाता है. सर MGC जो है वो RCCI का हमेशा से ही एक एक्टिव मेंबर रहा है और बहुत सारे इवेंट्स में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, सो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा जी, जैसे MGC ग्रुप ऑफ कंपनीज है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं नुमान एंड फरहान, बोथ द CEOs एंड co-founders एंड दे आर द रेनाउंड बिजनेसमैन ऑफ द रीजन. और रावलपिंडी चेंबर के साथ इनका बड़ा एक पुराना रिश्ता है और बिलखसूस हमारे तमाम इवेंट्स पे याद होते हैं. MGC डिवाइन की बात हुई मैंने कुछ पहले की, वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन फेज में है और उसकी फिनिशिंग चल रही है. MGC जूल के ऊपर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है. MGC जूल लॉन्च भी रावलपिंडी चेंबर की ही एक एनुअल डिनर पे उन्होंने हमारे साथ क्लब किया था, वहीं पर हुआ था. और अब MGC 5 जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उस पर भी बड़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है. देर आर वेरी प्रोजेक्ट्स हुआ कमिंग हम, तो हमें खुशी होती है कि हमारे मेम्बर्स हमारी पार्टनर एसोसिएशन हमारे साथ जो वेरियस प्रोजेक्ट्स पे हमारे साथ कोलैबोरेटर्स होते हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, शहर में अच्छा नाम लेके जा रहे हैं और उस रीजन की तरक्की में अपना एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं. सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से एलैबोरेट की सारी चीज़. और फिर एक मरतबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सो अपनी क्वेरीज हों, इन्फॉर्मेशन या कोई भी चीज़ अगर आप MGC से जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कीजिए. दिस इज़ सोनिया लोधी साइनिंग ऑफ.
MGC, your smart move.